I was reminding you that when we have to integrate functions, trigonometric functions, their powers, their products, their sums, blah blah kind of things, हमें जो trigonometric formula चाहिए वो मैंने यहाँ first page पे लिखा है इस फाइल की whose name is article exercise 7.3. Before I proceed further, मुझे क्योंकि मैंने अभी एक सेक्शन की क्विज चेकिंग कंप्लीट की है, दो तीन स्टूडेंट्स हैं इस सेक्शन में जिसने जिन्होंने पीडीएफ फाइल नहीं बनाई. जब पीडीएफ फाइल आप नहीं बनाएंगे तो मैं आपको आपके सॉल्यूशन पे जो मैं कमेंट्स करके आपको मैंने वापस भेजे हैं, ये मार्क्स लगा के आपको वापस भेजे हैं, वो नहीं करूंगा, सिर्फ मार्क्स भेज दूंगा. आई नीड एवरी क्विज असाइनमेंट सबमिटेड इन पीडीएफ फॉर्मेट, चाहे वो आपने हाथ से लिख के पिक लिए, पिक को कन्वर्ट करें, कैम स्कैनर सबके पास है आजकल फोन्स में, और पीडीएफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये टाइम और वो टाइम और ये टाइम, सर वो उस वक्त वो मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो गया था, पहले से आपका इंटरनेट गड़बड़ हो जाए, वेट फॉर गेटिंग इट स्मूथन्ड एंड देन यू कैन सबमिट. लेट सबमिशन एक्सेप्ट फॉर एनी मिड टर्म और एनी फाइनल एग्जाम, मैं लेट सबमिशन में बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं लगाता हूँ. पहले क्विज में तो बिल्कुल नहीं लगाई. सो दीज आर द फॉर्मूलास दैट वी फ्रीक्वेंटली यूज व्हाइल इंटीग्रेटिंग. जी बोलिए सर. मेरा असाइनमेंट चेक नहीं हुआ शायद. आपका क्विज असाइनमेंट तो अभी मैंने दिया ही नहीं. क्या नाम है आपका? सर क्विज चेक नहीं हुआ मेरा. आपका नाम क्या है? अरहम. अरहम, तुम्हारा क्विज क्यों चेक नहीं हुआ ये मैं चेक कर लूंगा. तुम हो तो सेक्शन 50309 में ही ना, जिस सेक्शन की कॉपियां चेक हुई हैं. आई विल चेक कि क्या मसला है. सर दो अरहम है, दो मोहम्मद अरहम है, एक का होगी एक का नहीं, मैं जिसका नहीं हुआ. भाई एक सेक्शन के क्विज चेक हुए हैं, दूसरे सेक्शन के क्विज चेक नहीं हुए. इज इट क्लियर? अगर दो अरहम हैं तो आई डोंट थिंक कि दोनों अरहम एक ही सेक्शन में है. एंड वुड यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज बीन डिस्कस्ड राइट नाउ. मैंने आपको 24 घंटे 24/7 अलाउ किया हुआ है कि आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी किसी वक्त भी भेज सकते हैं. ड्यूरिंग द क्लास जो मेटल डिस्कस हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और सवाल पूछना है तो उसी से मुतालिक पूछिए, इधर उधर के सवाल ना पूछिए, वक्त जाया होता है. मैं ये डिस्कस कर चुका लास्ट टाइम, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिक इंटीग्रल इंटीग्रल द बेसिक इंटीग्रल इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यू ऑल नो दैट साइन का माइनस कॉस है, कॉस का साइन है, टेंजेंट का डायरेक्टली नहीं आता. हमने जो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था उसका प्रूफ भी डिस्कस किया था, इसको लॉग सेकेंट की फॉर्म में भी लिखते हैं और माइनस ऑफ एल एन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कॉट एक्स इसी तरह से डिराइव्ड फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है. सेकेंट का भी डिराइव्ड फार्मूला है, डायरेक्ट नहीं है. कोसेकेंट का भी डिराइव्ड फार्मूला है, डायरेक्ट नहीं है. सेकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट है क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंट स्क्वायर है. इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है. सेकेंट इंटू टेंजेंट का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है. कोसेकेंट इंटू टेंजेंट कोटेंजेंट का डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है. इनको रिवाइज करने का मकसद क्या है? जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी स्टेज पे आगे हमारा कोई इंटीग्रल इनमें से किसी फॉर्म में आ सकता है, एंड वी शुड नो व्हाट टू डू विद देम.
After that, I mentioned that if you have integrals that involve powers of the trigonometric function, in case of powers of trigonometric function, there may be two type of situation. One in which there is a trigonometric function whose power is 5, 7, 10, 10,000, whatever. मगर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है उसी का डिफरेंशियल अवेलेबल है, यानी कॉस एक्स का डिफरेंशियल डेरिवेटिव साइन एक्स है विद अ नेगेटिव साइन, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और सिंपल सब्स्टिट्यूशन टी इज इक्वल टू कॉस एक्स करके भी कर सकते हैं. सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन you are allowed to use this direct result if ek trigonometric function ka ki power hamare paas hai aur usi ka differential bhi hamare paas hai to isko directly hum power formula laga sake yani trigonometric function raised to power 1 increased divided by the increased power whether it is cos power n into sin it is sin power n into cos tangent to power n into secant square yahan bhi hum power इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हैं. कॉट पावर एन इज मल्टीप्लाइड बाय कोसेकेंट स्क्वायर सो दैट मींस कॉट का डिफरेंशियल अवेलेबल है. यहां भी हम पावर टेक्निक डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते सेकेंट पावर एन के साथ टेंजेंट है तो यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सेकेंट का डेरिवेटिव टेंजेंट नहीं है, सेकेंट का डेरिवेटिव है सेकेंट इंटू टेंजेंट. तो सीकेंट पावर एन में से एक अलग करके सीकेंट पावर एन माइनस वन लिखा, सीकेंट इंटेंजेंट अब सीकेंट डेरिवेटिव है और उस पर पावर इंटीग्रल लगा के सीकेंट पावर एन अपॉन एन लिख सकते हैं. मैंने आपसे कहा था कि कल रात तक मैं एक या परसों रात तक मैं आपको असाइनमेंट दूंगा. दिस सम ऑफ दीज मे बी पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. मैंने यहाँ जो पी आई वाई लिखा है इन सबको आपने प्रूफ करना है. For the time being, just consider it an exercise and wait for the first assignment very soon. But in other cases, ये facility हमें available नहीं होगी कि एक trigonometric function की power है और उसके साथ उसी trigonometric function का differential जो है वो available है, like sine to the power n x. Now this is a cyclic kind of integral. If we try to solve this integral using integration by part, ऐसे तमाम integral चाहे sine power n हो चाहे cos power n हो चाहे tangent power n हो हम इनको integration by part करते हैं. सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है. रिडक्शन फार्मूला ये जो है, अब ये रिडक्शन फार्मूला का जो आपने डिड्यूस करके नीचे वो जो मतलब बॉक्स के अंदर जो लिखा है, अब अगर अगर n माइनस टू करके भी वो कोई बड़ी पावर आ रही हो, सपोज मतलब के साइन की पावर 6 है, तो ये जो सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस टू, तो उसके ऊपर दोबारा वही वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दोबारा रिडक्शन फॉर्मूला उसका रिस्पेक्टिव लगाना पड़ेगा. You're talking about के I have got, for example, पेन गड़बड़ कर रहा है. ओहो sorry, this pen is not working properly, so I go back to what I was. So aapka sawal ye tha ki for example sin power 11 hai agar yahan pe, so ji sir, this is going minus sin power 10 upon 11 into cos and 10 upon 11 and sin power 9 integral. Sin power 9 integral pe fir aap yahi formula lagayenge aur
सर ये फॉर्मूला कब तक लगाते रहेंगे? सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा फिर तो। ना तो आप क्या बच्चे होते जा रहे हैं या आप पिछली क्लासों में जा रहे हैं या अगली क्लासों में जा रहे हैं? मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको जो है वो सिंपलर चीजें मिलेंगी। Let me take you to the end of this sheet. Trigonometric functions के अलावा rational functions के अंदर हम इसमें भी reduction formula बनाते हैं, and that's an interesting and lengthy technique. Special format है कि product है functions. दो फंक्शन जिनके प्रोडक्ट इंटीग्रल में x पावर m सम कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट टाइम x पावर n रेज टू पावर समथिंग एल्स, इसको हम इस पावर को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इस पावर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। रिड्यूस उस वक्त करेंगे ये पावर पॉजिटिव हो, इंक्रीज उस वक्त करेंगे जब ये पावर नेगेटिव हो। हम इसको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करेंगे तो जो पावर अंदर है उतने स्टेप्स डिक्रीज होगी x माइनस n, और इंक्रीज होगी तो इतने ही स्टेप्स इंक्रीज होगी जो अंदर पावर है। ऑफ कोर्स इनके फॉर्मूले जो हैं दे आर बेस्ड ऑन अ टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इफ यू कैन लर्न दैट टेक्निक देन यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि हमें इस इंटीग्रल को इसमें रिड्यूस करना है। क्यों करना है? बिकॉज दिस इज अ सिंपल इंटीग्रल, एंड देन this integral can be solved using substitution x is equal to a tangent theta, magar isko hum reduce kare kyunki yahan power 2 hai aur bahar x ki power 2 hai, so we can reduce it to this integral which is simpler as compared to this integral. So you tum kya samajh rahe ho ki calc 2 mein aake agar tumhe integration padhai ja rahi hai तो वो तुम्हारी जो ए लेवल और इंटर की इंटीग्रेशन थी दैट वाज सफिशिएंट। तुम यहाँ आराम से स्कोर कर लोगे, यहाँ तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं मिलेगी। वेट फॉर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेट, डोंट जंप टू के सर ये तो ये हो जाएगा ये तो वो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, एंड यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। एंड आई वॉन्ट you to have much better attitude and behavior about learning. अब यहाँ मैं आपको 7 power 11 दे दूँ और sin power 11 दे दूँ या cos power 11 दे दूँ और साथ में limit लगा दूँ 0 to π/2, there will be a simplification, but still 11 से 7, 7 से 5, 5 से 3, 3 से 1, तब जाके integration complete हो। अगर n ऑड है तो एक सिचुएशन आएगी, और अगर n इवन है तो एक और सिचुएशन आएगी। इफ n इज 12, 12 से ये 10 में जाएगा, 10 से 8 में, 8 से 6 में, 6 से 4 में, 4 से 2 में, जब ये साइन स्क्वायर आएगा तो आप 1 minus cos 2x upon 2 से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो cos स्क्वायर पर भी या साइन स्क्वायर पर भी ये रिडक्शन फार्मूला फर्दर लगा दें तो यहाँ साइन पावर 0 आ जाएगा, इसका मतलब हुआ 1 इंटीग्रल dx। सो अभी तो ये रिडक्शन फॉर्मूले इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अब इन पे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होनी है। तो जो सवाल तुम कह पूछा था तुमने, उस पर मैंने तुम्हें डांट तो दिया, डांटना मेरा बुनियादी हक है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। अब मैं गुस्से में दूं या प्यार में दूं, तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूं। So wait for such questions. मैंने साइन का जो फॉर्मूला रिडक्शन फॉर्मूला यार डिराइव किया है, आई हैड डिस्कस दिस एंड आई रीडिस्कस इट कि साइन या कॉस या टेंजेंट, इस तरह की जब पावर्स आती हैं तो हम एक या दो पावर्स अलग करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। साइन और कोसाइन में एक पावर अलग करते हैं, टेंजेंट पर दो पावर अलग, उसकी रीजन अभी सामने है। तो साइन पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स लिखा, इसको फर्स्ट फंक्शन दैट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बट डिफरेंशिएटेड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एन माइनस वन रेज टू पावर
and minus 2. Then sine power, sine ke power ka derivative jab le liya, to uske baad sine ka bhi derivative lena hai. That gives you cos x. And still there is integral sine x left. So after this step, yaar ye pen gadbad kar raha hai bahut, aaj hi isko gadbad karunga. So we collect the result from this integration derivation, differentiation and integration into this form. Now ek cos sine ki power ke derivative mein se aaya aur ek cos sine ke integral mein se aaya, जिसकी वजह से नेगेटिव जो बाहर था वो प्लस हो गया. नाउ वी हैव गॉट कॉस स्क्वायर. टू फर्दर प्रोसीड वी रिप्लेस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड आउट ऑफ दिस सिंगल इंटीग्रल वी मेक टू इंटीग्रल. दोनों के बाहर प्लस एन माइनस वन था, एक साइन पावर एन माइनस टू यानी रिड्यूस्ड इंटीग्रल आ जाएगा और दूसरा माइनस ऑफ एन माइनस वन से साइन पावर एन माइनस टू और साइन पावर टू मिल के ओरिजिनल इंटीग्रल बन जाएगा. सो दिस टर्म विल बी टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड, कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई एन टेकन कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट आउट ऑफ दिस इज दिस टर्म एंड दिस रिड्यूस्ड टर्म. जब मैं आई एन कॉमन लेता हूं तो वन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड एन माइनस वन फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड इट leaves n. So n से divide कर देते हैं तो we get this formula. Cos के लिए formula ये आएगा and I have asked you to prove it yourself. The steps are exactly same as mentioned here. Okay. Tangent x, tangent raised power n का reduction formula जो है उसकी derivation simplest है. Tangent power n में से दो power अलग की, tangent to the power n minus 1 into tangent square or integration by parts mein jaane ke bajaye tangent square is replaced by secant square minus 1. Look for this formula on the first page. Now without going into integration by parts, hame right side pe is ek integral ki jagah do integral mil gaye, ek tangent to the power n minus 2 into secant square और एक tangent to the power n minus 2 into 1. Tangent to the power something into secant square. तो यहां पे आप tangent की power का integral directly लिख सकते हैं. Those who are not yet comfortable with this page, this part, वो हर दफा उनको यहाँ पे टेंजेंट को टी रखना होगा, उसका डिफरेंशियल सेकेंड स्क्वायर है, फिर वो इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे. बट आई टोल्ड यू दैट इफ यू हैव सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुज पावर इज देयर, लेकिन उसके साथ साथ इस दिस हैज बीन मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशियल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द पावर इंटीग्रल एंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट. So if someone goes from this point afterwards and do integration by parts, he will be expanding the integral like anything. It will become very long and complicated. कोई एक साहब सुकून से सवाल पूछे. सैयद अली, नो क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन देन आई इनवाइट यू टू इंटीग्रेट, prove this formula for cot power n. And now I'm considering the reduction formula for secant power n. मैंने कहा था कि
साइन और कोसाइन के केस में सिर्फ हम एक पावर अलग करते हैं, लेकिन टेंजेंट और सीकेंट वगैरह के केस में हम दो पावर अलग करते हैं। बट टेंजेंट में तो टेंजेंट स्क्वायर अलग करके सीकेंट स्क्वायर माइनस वन कर दिया था और विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट रिडक्शन फॉर्मूला बन गया था, मगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। फर्स्ट फंक्शन सीकेंट पावर एन माइनस वन, सेकेंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सीकेंट पावर एन माइनस टू का डेरिवेटिव जो है एन माइनस टू सीकेंट पावर एन माइनस थ्री, एंड सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर। So what we get out of this? एक तो secant power n minus 3 multiplied by secant becomes secant power n minus 2. एक tangent यहां पहले से था, एक integration of secant square से आएगा, so that is tangent square. Now the step of integration by parts is completed. Then tangent square converted into secant square minus 1, जिसकी वजह से ये एक इंटीग्रल दो इंटीग्रल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन द फर्स्ट वन सीकेंट की पावर एन माइनस टू और टू कंप्लीट होकर सीकेंट पावर एन यानी ओरिजिनल इंटीग्रल बन जाएगा, जिसको हमने आई एन कहा हुआ है। विद अ सीकेंट पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन वी विल गेट दिस रिड्यूस फॉर्म ऑफ सीकेंट पावर। जो आई एन बन गया है उसको दूसरी तरफ ले गए, इसका कोफिशियंट एन माइनस टू था क्योंकि पावर के डेरिवेटिव में सेकेंड पावर एन माइनस टू था, तो एन माइनस टू इधर आया। वन रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज देयर, एन माइनस टू रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स हियर टेकन टू द अदर साइड, तो वन प्लस एन माइनस टू बिकम्स एन माइनस वन, जिससे कि हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे एंड वी गेट दिस रिडक्शन फॉर्मूला फॉर सेकेंड पावर एन माइनस टू। नाउ अगेन इन दिस केस अगर n जो है वो ऑड है लाइक 7, तो सीकेंट पावर 7 जो है वो 5 में जाएगा, सीकेंट पावर 5 जो है वो सीकेंट पावर 3 में जाएगा, सीकेंट पावर 3 जो है वो सीकेंट में जाएगा, और सीकेंट का इंटीग्रल ln सीकेंट प्लस टेंजेंट। अगर सीकेंट की पावर जो है वो इवन हो लाइक 8 जाएगी 6 में, 6 जाएगी 4 में, 4 जाएगी 2 में, और जैसे सीकेंट स्क्वायर मिला उसका एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट बन गया। यस सीकेंट पावर फॉर एग्जांपल 1000 एंड देन आई एम नॉट जोकिंग, आई विल नॉट बी ट्राइंग यू फॉर सीकेंट पावर 5706 अनलेस एंड अंटिल देयर इज समथिंग एल्स दैट मेक्स द इंटीग्रल सिंपलर दैट वी हैव नॉट लर्नड येट। कोसेकेंड का रिडक्शन फॉर्मूला प्रूव इट योरसेल्फ। सम ऑफ द प्रॉब्लम सेलेक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3 आर डिस्कस्ड हियर। देयर इज अ रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन दैट आई विल डिस्कस आफ्टर डिस्कसिंग सम ऑफ द एग्जाम्पल क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7.3। 7. इस क्वेश्चन में साइन क्यूब कॉस क्यूब, जब भी मेरे पास इस तरह के प्रोडक्ट में किसी एक फंक्शन की ऑड पावर है तो उस ऑड पावर में से एक पावर अलग करके लाइक हेयर साइन या कॉस किसी भी एक की पावर अलग कर की जा सकती है। इसका एडवांटेज क्या होगा, जिस फंक्शन में से एक पावर अलग की है वो कॉस स्क्वायर या कॉस फोर या कॉस सिक्स हो जाएगा। ना कॉस स्क्वायर हो या कॉस पावर फोर या कॉस पावर सिक्स हो, इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर है तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया, कॉस पावर फोर होता तो वन माइनस साइन स्क्वायर पावर टू होता, कॉस पावर सिक्स होता वन माइनस साइन स्क्वायर इज टू पावर सिक्स होता। इन एनी केस अगर एक इवन और एक ऑड होता तो बेटा आ रहा है वो भी अगला सवाल, नीचे देखो नजर आ रहा है 12th क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी। योर क्वेश्चन इज जेन्युइन, बट अगर नीचे गौर कर लेते तो ये आ रहा है
दोनों इवन है, अगर एक ऑड और एक इवन है तब भी यही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहे हैं। व्हेनेवर यू हैव एन ऑड पावर ऑफ आइदर साइन और कोसाइन, जिसका ऑड पावर है उसमें से एक पावर अलग कर लो, रेस्ट ऑफ द फंक्शन विल बिकम पावर्स ऑफ द अदर फंक्शन। लाइक इन दिस केस साइन क्यूब था, कॉस की पावर अलग की तो 1 - sin² हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक में साइन पावर 3 आ गया, एक साइन पावर 5 आ गया, दोनों के साथ कोसाइन लगा हुआ है, यानी साइन की पावर 3 है लेकिन साइन का डिफरेंशियल मौजूद है, साइन की पावर 5 है लेकिन साइन का डिफरेंशियल मौजूद है। सो यू कैन गो फॉर साइन पावर 4/4, कॉस पावर 6/6, साइन पावर 6/6 एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। द अदर पॉसिबिलिटी इज के आपके पास प्रोडक्ट हो even power wala. Whenever you have even power, the work is a bit more complicated. Even power mein, we are forced to separate two powers. In this problem, humne cos power 4 mein se do power alag ki. Sin square pehle se tha, sin square ke saath cos square aa gaya. अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी साइन और कोसाइन की सेम पावर आ गई, दैट मीन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 2। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है तो वो साइन 2x बन जाता है। सो व्हाट वी डिड इज दैट कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 2 sin x cos x power 2 लिखा, 2 जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ डाला है मल्टीप्लाई किया है तो 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 अंडर द पावर ऑफ 2 है। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जो है वो sin 2x की पावर 2 हो गया। व्हाट अबाउट द cos स्क्वायर x? cos स्क्वायर x की सिंपलीफिकेशन हमारे पास 1 + cos 2x / 2। सो एक cos x cos स्क्वायर x जो है वो इस फॉर्म में आ गया और sin स्क्वायर 2x जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रल है मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सो 1/8 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x, और एक इंटीग्रल है 1/8 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस एक्स। मैंने यहां लिख दिया कंप्लीट इट योरसेल्फ। क्यों लिख दिया कंप्लीट इट योरसेल्फ? बिकॉज आई एक्सपेक्ट दैट यू पीपल शुड बी ग्रेस्पिंग द आइडिया कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अवेलेबल हो इंटीग्रल में तो साइन स्क्वायर विल ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू 1 - cos double angle, और अगर साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर के डिफरेंशियल है तो फिर पावर इंटीग्रल बन जाएगा या सीधा साधा। आप चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूशन से करें, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, ये इसमें आएगा। तो ये हिंट दे के मैंने कहा है कि कंप्लीट इट योरसेल्फ। प्रोडक्ट, now in case of product, sine of 3x theta cos 3 theta, ab powers nahi hai, theta ke multiples hai, to maine at the top aapko kuch formula bataye the, so I have sine alpha cos beta kind of situation in that problem, usme ye formula istemal hoga। सर ये अभी जो फॉर्मूले से जरा ऊपर करेंगे उसमें एक क्वेश्चन पूछना था छोटा सा। जी इसमें जी सर ये अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ अब इसमें ये देखें साइन अल्फा और कोस बीटा और कोस अल्फा और साइन बीटा, तो इसके अंदर हमें तो मतलब के हम इसको आगे पीछे भी तो करके इसको सेम ही एक ही चीज का तो ये हो सकता है ना सर? एक ही चीज का क्या मतलब? अगर लिखा हुआ है cos 3 थीटा और sin 5 थीटा, तो मैं sin को पहले लेके आके और उसको ओह यस रीअरेंज करके, यू हैव अ चॉइस, रीअरेंज करके, यस यू हैव अ चॉइस इन दैट। मैंने ये चॉइस ओपन छोड़ दी है, मैं नहीं कर रहा इस बार,
मैं नहीं कर रहा हूं ये सवाल, फॉर्मूले आपको दे दिए हैं और हिंट आपको दे दिया है कि इसमें क्या किया जाएगा. द पॉइंट इज दैट इंटीग्रेट करने के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं. यार मेरे पेन खराब हो गया है जिसकी वजह से मैं फ्री हैंड राइटिंग नहीं कर पा रहा हूं. तो आपकी ने जो पॉइंट किया कि आप साइन अल्फा कॉस बीटा या कॉस अल्फा साइन बीटा किसी भी तरतीब में ले सकते हैं इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाई वी डू दैट, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही. मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? चलिए अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है. अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो I have an alternate, और वो alternate ये कि instead of making these notes with free handwriting, I go for typing on word. But typing on word, mathematical terms, is a time-consuming thing. But if you are very worried about my handwriting, then I can switch to typing on word. Jahan tak is baat ka taluq hai ki it's very mixed up, to main iske bare mein sirf ye kahunga ki I am considering each and everything in a logical order. You have to leave your or just forget about your past experience about integration of this type or that type. Maine aapse ye list of formula discuss karte hue kaha ki jab hum integration karenge in which there are in trigonometric functions involved, hame in sab formula ki zarurat padegi. Uske baad aapko maine ye bataya ki basic जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स ये हैं. इनमें से कुछ डायरेक्ट हैं कुछ डिराइव्ड हैं. जो डिराइव्ड हैं उन पे मैंने स्टार लगाया हुआ है और ये मैं पिछली एक क्लास में इनके इनमें से कुछ के प्रूफ डिस्कस कर चुका हूं. अगर यहां तक चीजें मिक्सअप हो रही हैं इसका मतलब ये है कि या तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो एक्सरसाइजेस जो मैंने आपसे कही हैं. यू शुड हैव कंप्लीटेड बाय नाउ 7.1, 7.2, 7.3, क्योंकि मैंने क्विज आपका 7.3 तक कंडक्ट किया था. नो नॉट 7.3, 7.1, दैट्स इट. इंटीग्रेशन बाय पार्ट छोटा सा दिया था जो कि आप पहले से किए हुए हैं. Now, right now, what we are considering is 7.3, which is integration of trigonometric functions of all type. Pehle maine basic integrals consider kar liye, and I think for any person who is focusing, this should not be a problem. There should be no mix-up when I talk about these integrals of basic trigonometric functions. The first thing that I have forced on you, which is a bit complicated, wo ye hai. Where I told you ke mere paas aise integrals aa sakte hain jisme ek trigonometric function ki power sir, ho. Sir, love you very much. Sir, bahut achi class hoti hai aapki. Isi trigonometric function jiski power n hai, uska differential bhi saath ho. Aur abhi humne ek problem mein dekha ki ye situation aayi. और इसके लिए मैंने आपको पहले से ये तरकीब बता दी. आमतौर पे आप पिछले लेवल पर कॉस
एक्स को सब्स्टिट्यूट करते थे और उसका डिफरेंशियल अवेलेबल होता था तो ये सिंपली डी यू हो जाता था. मैंने कहा यू आर अलाउड टू यूज दिस टेक्निक ऑफ पावर इंटीग्रेशन इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है उसका डिफरेंशियल साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है. ये वो तमाम केसेस. एक सेकेंड पावर एन जो था उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसको मैंने आपको बताया कि इसमें सेकेंड का डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड इनटू टेंजेंट होता है. तो सेकेंड इनटू टेंजेंट बनाने के लिए सेकेंड की पावर एन में से एक सेकेंड अलग कर दिया, जिसकी वजह से अब ये हो गया सेकेंड पावर एन माइनस वन. नाउ दिस हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड इन सीक्वेंस. यहाँ पे आखिरी दो लाइनों में खास तौर पर लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे और साइन स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे. अगर ये कॉस स्क्वायर x है तो 1 प्लस कॉस 2x होगा, अगर ये कॉस स्क्वायर 2x है तो ये 1 प्लस कॉस 4x होगा. इसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं. अगर ये कॉस स्क्वायर 10x है तो ये 1 प्लस कॉस 20x होगा. इसी तरह यहाँ पे आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं जिस तरह के इंटीग्रल्स डील कर रहा हूँ वो सारे इंटीग्रल्स यहाँ बेसिक और पावर्स में लिख दिए गए. As far as reduction formula development is concerned, it is full scale application of integration by parts. Of course, my writing handwriting is not very good. और ये मैं क्लास में खड़ा होकर पढ़ा रहा होता तो जब भी ये होता. और unfortunately आज मेरा जो वैकैम का पेन है वो कुछ गड़बड़ कर गया है, जिसकी वजह से मैं मजीद चीजें एक्सप्लेन लिख नहीं पा रहा हूँ. एनीवेज, साइन पावर एन का रिडक्शन फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया, कॉस पावर एन का आपके लिए छोड़ दिया, टेंजेंट पावर एन का मैंने प्रूफ कर दिया, कॉट पावर एन का मैंने आपको आपके लिए छोड़ दिया, सेकेंड पावर एन का मैंने अभी डिस्क्राइब किया और उसकी पावर ये भी डिस्कस हो गया कि ऑफ कोर्स रिडक्शन फार्मूले हम क्यों पढ़ रहे हैं. वी आर एक्सप्लोरिंग दिस रिडक्शन फार्मूलास बिकॉज इफ यू आर एक्सपोज टू इंटीग्रल 7. साइन रेस्ट टू पावर 13 तो उसको मैं कैसे डील करूंगा. रिडक्शन फार्मूले इसलिए आई डिस्कस दैट अगर आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शंस हो और कोई एक फंक्शन जो है उसमें पावर ऑड है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे साइन और कोसाइन का तो जो ऑड पावर है उसमें से एक पावर अलग कर लें. यहाँ दोनों ऑड थे किसी एक का भी कर सकते हैं. एंड देन दिस इज होल प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, साइन की पावर इनटू कॉस, साइन की पावर इनटू कॉस, जिसका मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको मैं पावर के तौर पर डील करूंगा. और साइन पावर 4/4 और साइन पावर 6/6 कैसे आएगा. अगर आपको ये समझ में ना आए तो u इज इक्वल टू साइन एक्स रख के दोनों को डील कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. हाँ, अगर इवन पावर है तो कैसे होगा, तो इवन पावर्स के लिए बता दिया मैंने आपको कि यू हैव टू कन्वर्ट इंटीग्रल्स और फंक्शंस इनटू साइन पावर 2 एंड कॉस पावर 2. साइन पावर 2 कैसे हैंडल होता है और कॉस पावर 2 कैसे हैंडल होता है ये बता चुका. तो आउट ऑफ साइन पावर 2 कॉस पावर 6 कॉस पावर 4 मैंने कॉस पावर 2 अलग किया. साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को व्हाई शुड आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. Just give me one reason. I ignore your reply. कि आप चाह रहे हैं कि मैंने जो ऊपर फॉर्मूला
लिखा है उसको मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूंगा। चलिए एज इट इज द फर्स्ट थिंग, तो अब ये देख लीजिए कि फॉर्मूला जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना है आप, ये वाला या ये वाला। माय प्रेफरेंस इज दिस। नाउ इट गोज इनटू 1/2 साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स प्लस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स, यानी दोनों साइन फंक्शंस आएंगे। मेरे पेन का ट्रैकर जो है मुझे तंग कर रहा है। आई थिंक इट इज काबू में है, आ गया काबू में। सो दैट फॉर्मूला सेज के ये साइन फंक्शंस बनेंगे, कौन से साइन फंक्शन बनेंगे, एक में इन दोनों का सम आएगा, व्हाट्स द सम ऑफ दीज टू, 3θ + 2θ, 5θ, यहां पे आएगा डिफरेंस, एंड दैट मीन्स द इंटीग्रल इज रिड्यूस्ड इनटू व्हाट, साइन 5θ dθ + ½ sin θ। तो मैं ये डिस्कस करने जा रहा था कि प्रोडक्ट जब मेरे पास साइन और कोसाइन का आएगा तो मैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों इस्तेमाल करूंगा, कि प्रोडक्ट के इंटीग्रल से बचने के लिए। अगर मेरे पास सिंगल फंक्शन होता है साइन और कोसाइन का, देन इंटीग्रेशन इज इजियर एंड देन इट बिकम्स व्हाट, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन, माइनस कॉस 5θ / 5 plus 1/2, the integral of sine is minus cos plus c. Is it all right? ये फिर एकदम से लाइन आ गई। Okay. What if I have product of tangent and secant? Whenever we have product of tangent and secant, look into the powers of the two. Agar secant ki power even hai, aap kahenge odd hai to kya karenge? Abhi jo secant ki power even hai case hai, pehle ye discuss kar. Secant ki power 4 mein se secant square alag kar liya. जो सीकेंट स्क्वायर बचा उसको 1 + tangent² लिख लिया। आई रिपीट, सीकेंट की पावर 4 में से सीकेंट स्क्वायर अलग कर लिया और जो सीकेंट स्क्वायर बचा उसको 1 + tangent² लिख लिया, बिकॉज 1 + tangent² इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, एंड देन दिस इंटीग्रल बिकम 2 इंटीग्रल्स, एक tangent पावर 5 के साथ 1 इंटू सीकेंट स्क्वायर और एक tangent पावर 5 के साथ tangent पावर 2, दैट मेक्स इट tangent पावर 7, उसके साथ secant square. Both integrals involve tangent की powers और उसके साथ tangent का differential. So power rule can be used. So tangent power 6/6 and tangent power 8/8. So whenever there are mixture of powers of tangent and secant, तो secant अगर even power है तो उसमें secant square अलग कर लेंगे और tangent की power integrals बन जाएंगे। लेकिन अगर टेंजेंट स्क्वायर है लेकिन सीकेंट क्यूब है, अब क्या होगा? अगर मैं सीकेंट स्क्वायर अलग करता हूं तो रेस्ट ऑफ इट डज नॉट बिकम टोटल फंक्शन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि एक पावर टेंजेंट की और सीकेंट स्क्वायर की एक पावर दो पावर अलग की। व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप ये करना चाहें, tangent square x, secant x, secant square x, dx. So, पिछले वाले प्रॉब्लम में इससे एडवांटेज ये हुआ था कि हमें टेंजेंट की पावर्स उसके साथ secant square मिल गए थे,
मगर यहाँ टेंजेंट्स की पावर्स के साथ सेकेंट स्क्वायर नहीं मिल रहा, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें ट्रबल कर दे रहा है. सो व्हाट डू आई डू, सेकेंट की जब ऑड पावर हो तो इट्स बेटर के हम सेकेंट इनटू टेंजेंट बनाने की कोशिश करें. तो दोनों की एक एक पावर अलग करें, टेंजेंट स्क्वायर में से टेंजेंट एक्स लिखा, सीकेंट क्यूब में से सीकेंट स्क्वायर लिखा, जिसकी वजह से सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स आ गया. नाउ वी सी दैट दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म बोथ हैव अ प्रॉब्लम. So what do you think should be done in this case? What is your suggestion? Koi suggestion nahi. I thought you will be thinking about something constructive out of this. I have a suggestion. रिडक्शन फार्मूला ऑन सीकेंट, वो तो तब होगा जब हम इसको कंप्लीटली पावर्स ऑफ सीकेंट में कन्वर्ट कर दें, यानी टेंजेंट स्क्वायर कीजिएगा वन प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स रखें, सीकेंट क्यूब एक्स डी एक्स, एंड देन इट बिकम्स टू इंटीग्रल्स, वन विथ सीकेंट पावर थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सीकेंट पावर 5x dx. यस, योर सजेशन वॉज परफेक्ट. नाउ यू कैन गो यूजिंग रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट पावर 3. रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट पावर. अच्छा, आप लोग एक चीज ये भी सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे रिडक्शन फार्मूले हम याद क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे? So whenever things are this things of this type are tested, hum formula de diya karte hain. It's not testing of memory, it is a testing of ye is a part ko main kehta hu techniques of integration. So you should have to understand the techniques. The secant power n ka jo humne formula likha tha, secant power n minus 2x tangent x upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 secant power n minus 2x dx. तो इस फॉर्म पे जहां पावर 3 है और इस फॉर्म पे जहां पावर 4 है, दोनों पे आप ये लगाइए एंड कंप्लीट इट योरसेल्फ. So doing this work or this work is not suitable. Converting all the function into one, and that is the solution, or that is the एक और सजेशन आई है. जो दूसरी सजेशन है मैं उसको आप कहूंगा. अगर आप सीकेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं टेंजेंट स्क्वायर माइनस वन से, तो पावर है 3. सो आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि अगर आप सीकेंट स्क्वायर की जगह ना
एक सीकेंट तो मौजूद रहेगा ना, इसकी जगह आप टेंजेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन रख दोगे, लेकिन उससे टेंजेंट की पावर्स बनेंगी, टेंजेंट की पावर बनेगी लेकिन साथ में सीकेंट लगा हुआ जो किसी का डेरिवेटिव नहीं है। लिहाजा दिस अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच एज सजेस्टेड बाय वन ऑफ यू। सो लेट मी गो फॉरवर्ड। सीकेंट पावर 5 डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट। टेंजेंट टू द पावर 4 डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला। What about cot power 2 into secant power 1? अब cot के साथ cosecant होता तो कोई बात थी, लेकिन cot के साथ secant है। sin के साथ cos होना चाहिए, cos के साथ sin होना चाहिए, tangent के साथ secant square होना चाहिए, cotangent के साथ cosecant square होना चाहिए, and so on and so forth। मेरे पास कोटेजन के साथ कोसिकेंट होना चाहिए नहीं है, क्या करूं? देयर मे बी वन, चूंकि पावर्स बड़ी नहीं है तो मैं इसको लिखूं समबडी सजेस्टिंग समथिंग। यस दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, कि मैं इसको cos 3t अपॉन sin 3t इंटू secant इज वन अपॉन cos 3t, सो दिस कैंसिल आउट एंड आई एम लेफ्ट विद व्हाट इंटीग्रल? वन अपॉन cot स्क्वायर है, सॉरी, ओके, सो वन पावर इज कैंसिल एंड cos ऑफ 3t अपॉन sin ऑफ sin square of 3t. So I am left with an integral where I have an interesting form, and that form is sin 3t whole raised to power minus 2 into cos 3t. Would someone suggest me a direct solution, or should I go for substitution? Okay, let me go through substitution. Direct solution. Direct solution भी कह सकता है, लेकिन वो एक three जो है गड़बड़ कर रहा है ना, तो अगर आप used to नहीं है direct solution के, okay, let me demonstrate the substitution. That makes du is equal to 3 cos 3t dt, and this variable is t here. So my integral becomes u power minus 2, or apart from this 3, rest is available. So 3 se multiply, divide kiya, so dt ban gaya. Sorry, du ban gaya. And now it is simple power integral, u power, power increased, and increased power से divide हुआ, plus c is equal to minus 1 upon 3, what is u, and u is sin 3t raised to power minus 1, that is 1 upon sin 3t plus c is the answer. Okay, मैंने कोशिश की कि एक एक्सरसाइज का हर किस्म का एक सवाल सेलेक्ट करके इस पर डिस्कस करूं। जब तक तुम खुद सवाल अटेम्प्ट नहीं करोगे उस वक्त तक ये टेक्निक्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। देर आर सो मैनी क्वेश्चंस, मैंने आपको रेंज बताई। फर्स्ट यू गो थ्रू अप टू क्वेश्चन नंबर 52,
And after that, some questions that I have selected, question number 66, 68, I'll discuss myself. But there are 66 ke baare mein, dekhein, let us do some brainstorming for 62. Anyways, jo bhi sessions aa rahi hain उनमें जो बेस्ट पॉसिबल पाथ था वो मैंने अडॉप्ट किया एंड द लॉजिकल पाथ. नाउ आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन दिस. जब तक के मैं गिवन फंक्शन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ जो गिवन फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सम्स डिफरेंस रेशियोज ब्ला ब्ला किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको मैं कोई एक फंक्शन ना बना दूं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, जब तक कोई एक फंक्शन ना बना दूं तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा. या इनमें से किसी एक फंक्शन की पावर, या इनमें से किसी एक फंक्शन की पावर और उसके साथ उसका डिफरेंशियल, जब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ कन्वर्टिंग दिस फंक्शन इनटू अ सिंगल फंक्शन? इफ यू डन गुड मैथमेटिक्स एट द प्रीवियस लेवल, oh, sine 2x plus cos 2x is equal to 1. अरे भाई, मुझे अभी किसी दोस्त ने ये कहा है कि sine 2x plus cos 2x is equal to 1. Sorry, all these things are not acceptable. इसके बारे में आप अगर ये सोच रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? ये तो साइन एक्स कॉस एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स है, मगर ये बेचारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं, बल्कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिहाजा ये वन नहीं आ सकता. ये बता दूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को सिंगल फंक्शन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स बनाने का तरीका जो है वो ये है. शायद आपने पिछली क्लास में शायद ही यकीनन पढ़ा होगा. नाउ दिस बिकम्स व्हाट, मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. वन अपॉन रूट टू क्या चीज है? इट्स द साइन और कोसाइन ऑफ पाई बाई फोर. सो आई हैव साइन एक्स साइन पाई बाई फोर प्लस कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर. इसको मैं साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर और कॉस एक्स साइन पाई बाई फोर भी लिख सकता हूं. इन एनी इन दिस फॉर्म इट बिकम्स रूट टू इंटू कॉस ऑफ वॉट x माइनस पाई बाई फोर, सिंगल फंक्शन बन गया. इसका मतलब है मेरा जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज इनफैक्ट द इंटीग्रल ऑफ इस फंक्शन की जगह ये लिखा है, तो रूट टू कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई फोर और वन अपॉन रूट टू ऑफ वन अपॉन कॉस का मतलब है सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाई फोर. एंड आई होप यू नो हाउ टू राइट डाउन द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट. ओके,
अच्छा जी, अब क्या कमेंट आया हुआ है? कैसे बनाओगे यार स्क्वायर? ओके, मैं काम कर रहा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक फंक्शन बनाने के लिए. लेट मी ट्राई द व्हाइट बोर्ड अगेन. Perhaps my pen is working better now. The general question is a sine x plus b cos x. एक सिंगल फंक्शन बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? सो प्री यूनिवर्सिटी लेवल पर एक टेक्निक पढ़ाई जाती है, r is equal to square root of a square plus b square. And a upon R plus B upon, sorry, A square upon R square upon B square upon R square is equal to 1. This means A upon R will be sine of some angle or cos of some angle, and B upon R will be, अगर इसको मैंने sine ले लिया तो this will be cos of the same angle. इसका मतलब यह कि इस फॉर्म को एक फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूं? मैं R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं. When I have A upon R is equal to sine alpha, I will have sine X sine alpha plus B upon R is cos alpha, so cos X cos alpha. अच्छा, ये choices जो हैं ये आपके free हैं. आप इसको cos ले लें, इसको sine ले लें, फिर sine में चला जाएगा. अभी ये cos में आ रहा है. So that becomes R times what? Cos of X minus alpha. This is the basic technique with the help of which this kind of a sum function is converted into a single function. Now, is it clear? Okay. Achcha janab. मैंने जिस वक्त मैं रिडक्शन फार्मूला डिस्कस कर रहा था उस वक्त मैंने साइन पावर एन और कॉस पावर एन डिस्कस करते हुए कहा था कि अगर इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो तो क्या होगा. सो हेयर इन क्वेश्चन नंबर 68 साइन और कुछ साइन के केस के लिए विद इवन पावर एंड विद ऑड पावर हमने डिस्कस किया हुआ है कि what will happen if I am given sine power n in the limit 0 to pi by 2. तो भाई हमारे पास sine power n का ये formula था. अब अगर मैं इस पे limit लगाता हूँ 0 to pi by 2, so look at this first function. इसका क्या आशर होता है? अगर तुम cos में pi by 2 रखते हो तो वो 0 हो जाएगा. ये कुछ भी हो, sine pi by 2 1 है, लेकिन कॉस की प्रेजेंस की वजह से जब इसमें पाई बाई 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा. और लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 0 होता है, लिहाजा ये पार्ट कंप्लीटली एनहाइलेट हो जाता है सब्स्टिट्यूटिंग दिस लिमिट. एंड आई हैव सॉर्ट ऑफ ए न्यू रिडक्शन फार्मूला विद लिमिट 0 टू पाई बाई 2. आई हैव गॉट दिस रिडक्शन फार्मूला. ओके okay? अच्छा जी, अगर साइन पावर एन से शुरू किया तो हमारे पास आएगा साइन पावर एन माइनस टू और बाहर होगा एन माइनस वन अपॉन एन. अगर हम साइन पावर एन माइनस टू से शुरू करें तो एक नंबर कम और एन माइनस टू और पावर साइन की दो कम.
n माइनस थ्री बाई एन बाई टू, फिर n माइनस फाइव बाई एन माई एन माइनस फाइव अपॉन एन माइनस फोर, पावर दो फर्दर डिक्रीज. इसी तरह कम दीज नंबर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग इन एवरी स्टेप. अगर आपने इवन से शुरू किया है तो n माइनस वन विल बी ऑड. इसका मतलब है न्यूमरेटर में जितने नंबर आ रहे हैं n माइनस वन, n माइनस थ्री, n माइनस फाइव, ये सब ऑड आएंगे, तो आखिरी ऑड नंबर थ्री और वन होगा. यहां देखे मैंने साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस टू एक्स में ले जाने के बजाय फिर रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया. साइन पावर जीरो का मतलब साइन पावर जीरो मीन्स साइन एक्स रेज टू पावर जीरो एंड एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज वन. सो वन का इंटीग्रल. नाउ वी हैव टू लुक इनटू टू स्पेशल थिंग्स. ड्यू टू जीरो टू पाई बाई लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, रिडक्शन फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा जो है ये गायब हो जाता है. बिकॉज अपर लिमिट पाई बाई टू पर कॉस जीरो है, लोअर लिमिट जीरो पर साइन जीरो है. इसका मतलब है कि रिडक्शन फार्मूला फर्दर रिड्यूस हो गया फॉर दिस डेफिनेट इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू. उसके बाद दूसरी चीज जो हमें गौर करनी है, इफ यू स्टार्ट विद एन इवन तो न्यूमिरेटर विल बिकम ऑड, डिनोमिनेटर विल बी इवन. सो ऑड अपॉन इवन, ऑड अपॉन इवन, ऑड अपॉन इवन, ऑड अपॉन इवन डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो दे विल डिक्रीज टू व्हाट? अल्टीमेटली न्यूमिरेटर्स आर ऑड नंबर्स गोइंग टू 7, 5, 3, 1, डिनोमिनेटर्स आर इवन नंबर्स एंड गोइंग टू 10, 8, 6, 4, 2. और आखिरी ये जो इंटीग्रल था जब ये वन हो गया तो इंटीग्रल डी एक्स, एक्स की पे लिमिट लगाया जीरो टू पाई बाई टू, फिर रिजल्ट आया पाई बाई टू. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन टू द पावर एन इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, एंड दिस इज नोन एज वॉलीज फर्स्ट फॉर्मूला. आई रिपीट, एक तो हमने ये देखना है कि जीरो टू पाई बाई टू जा रहा है, जिसकी वजह से साइन के रिडक्शन फॉर्मूले में ये जो अन इंटीग्रेटेड टर्म है या इंटीग्रेटेड टर्म है ये खत्म हो जाती है. जिसका इंटीग्रल लेना है उसके कोफिशिएंट्स जो हैं उनमें इफ एन इज इवन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इवन, एंड अल्टीमेटली इट फिनिशेस एट 5, 3, 1 इन द न्यूमरेटर एंड 6, 4, 2 इन द डिनोमिनेटर. आखिरी पावर जीरो आती है साइन की, जिससे के इंटीग्रल पाई बाई टू हो जाता है. बट व्हाट इफ वी स्टार्ट विद एन ऑड? जब एन ऑड होगा तो एन माइनस वन इवन हो जाएगा, एन माइनस थ्री इवन हो जाएगा, एन माइनस फाइव इवन हो जाएगा, तो न्यूमरेटर्स विल एंड अप इन 8, 4, 2 एंड डिनोमिनेटर विल एंड अप इन 7, 5, 3 एटसेट्रा. मगर व्हाट विल बी द लास्ट ऑड पावर ऑफ साइन? If n is odd, पिछली दफा इवन था ना, तो ये सारी पावर्स रिड्यूस होके इवन में जा रही थी और वो जीरो पे खत्म हुई थी जाके. मैंने टू पे खत्म नहीं की बल्कि जीरो तक ले गया. लेकिन जब पावर ऑड है सो लास्ट टर्म विल कंटेन साइन पावर वन, उससे पिछली वाली इंटीग्रल साइन पावर थ्री, उससे पिछली वाली इंटीग्रल साइन पावर फाइव. सो लास्ट टर्म इज इंटीग्रल साइन इन द लिमिट जीरो टू पावर टू. इसको इंटीग्रेट किया माइनस कॉस पाई, लिमिट्स रखी, वन आ गया. सो दिस इज फॉर ऑड पावर्स ऑफ साइन पावर एन. आई स्टॉप माय डिस्कशन हियर टुडे एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू लीव द मीटिंग. आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर.